दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए मोनेटाइजेशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं और आपने अभी तक मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं किया है, या आपने मोनेटाइजेशन अप्लाई कर दिया है और अगर आपने अप्लाई नहीं किया और आपको नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा और मोनेटाइजेशन अप्लाई कब करना चाहिए ये भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं सुमित मौर्य और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमें वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए यूट्यूब की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि आपको जब मोनेटाइजेशन अप्लाई करना होता है तो आपको किस कंडीशन में करना है। तो सबसे पहले अगर आपने यूट्यूब की गाइडलाइन पढ़ी होंगी तो वहाँ पर आपको यूट्यूब की तरफ से एक टारगेट मिलता है जो कि आपको अचीव करना होता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो आपको 1000 सब्सक्राइब चाहिए होते हैं और 4000 हावर्स घंटे जो कि आपका वीडियो चलना चाहिए, और उस पर जब तक आपका वीडियो 4000 घंटे नहीं चलेगा तब तक आप मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोनेटाइजेशन अप्लाई कब करना है तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब YouTube ने ये टारगेट दिया है 1000 सब्सक्राइब और 4000 सब्सक्राइबर्स घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये टारगेट कितने टाइम में अचीव करना है, तो इसके लिए आपको लगभग 12 मंथ का टाइम मिलता है जिसके बीच में आपको ये टारगेट पूरा करना होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो डाल लिए हैं और आपको मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं किया है और आपके 4000 घंटे भी पूरे हुए हैं, 1000 सब्सक्राइब भी पूरे हो गए हैं, जब आपने मोनेटाइजेशन अप्लाई किया और उससे जो पीछे 12 महीने हैं, तो उसके बीच में अगर आपके 1000 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं या 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो गया है तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मोनेटाइज पहले ही कर दिया है और आपके 12 मंथ से बहुत ज़्यादा हो गए और आप 1000 सब्सक्राइब पूरे नहीं कर पाए, 4000 घंटे व्यूज पूरे नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में जो आपका मोनेटाइजेशन अप्लाई की जो कंडीशन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ गलती नहीं करनी, जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया है, जैसे मोनेटाइज शुरू में कर देते हैं उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये टारगेट 12 मंथ के अंदर पूरा करना होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर व्यू और वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है, आप उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। अगर आपने पीछे जो 12 मंथ में यहाँ पर सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए हैं या आपके पास टाइम बचता है तो आप और आगे जो कि आपके पीछे टाइम में जो हुआ है अगर सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए हैं तो आपको उससे आगे का टाइम मिल जाता है, जिसमें आप अपने जो कंप्लीट सब्सक्राइब नहीं हुए हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, वॉच टाइम जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी पूरे कर सकते हैं, उसके बाद ही अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज भी हो जाता है। उसके बाद आपको गूगल एड्स का अप्रूव मिल जाता है, उसके बाद आप अपने चैनल पर एड्स भी आ जाते हैं और आप इसी तरह से अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको मोनेटाइजेशन की जो भी यहाँ पर कंडीशन होती है तो आपको यूट्यूब पर जो अपडेट आते रहते हैं तो वो भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो आपको ये चीज़ें भी बहुत गौर देनी चाहिए, क्योंकि जो अपडेट्स आते हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता रहता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो अभी तो फिलहाल ही YouTube ने बहुत टाइम से यहाँ पर अपना जो कंडीशन है, जो यहाँ पर टारगेट दे रखा है, वो अभी चेंज नहीं किया है, वो 4000 हावर्स ही और आपके जो 1000 सब्सक्राइब ही है, तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको कुछ टिप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपके जो वीडियोज़ होते हैं तो आप ऐसे कंटेंट डालें जो जल्दी जल्दी यहाँ पर ग्रो करें, और साथ ही आपके कंटेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल का मतलब आप जो वीडियो डालें वो किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप जो वीडियो डालें वो अपना ही होना चाहिए और आपका खुद वीडियो शूट किया हुआ होना चाहिए, उसमें जो भी आप फोटोज़ लगा रहे हैं और बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं तो उनके क्लिप कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, आपको हमेशा ओरिजिनल ही यूज करना है। तो फ्रेंड, यही कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं और इन्हीं के जरिए आपका जब वीडियो वायरल हो जाता है तो यहाँ पर आपके जो 1000 सब्सक्राइब हैं और जो आपके पास 4000 वॉच टाइम है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है, और ये जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। तो इसमें कभी कभी कुछ टाइम भी लग जाता है, वो आपके वीडियो के ऊपर होता है कि आपका वीडियो वायरल हुआ है नहीं हुआ है, या आपके वीडियो में समय लग रहा है आगे वायरल होना। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई वीडियो वायरल नहीं होते, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने एक दो वीडियो डाले, अरे छोड़ो यहाँ पर हमारे जो वॉच टाइम पूरे नहीं हो रहे हैं या सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे, छोड़ो अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा, वीडियो चैनल छोड़ देता हूँ, तो ऐसा मत कीजिए। आप वीडियो डालते रहिए, जब आप वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे तो इस तरह से आपके जो सब्सक्राइब हैं और व्यूज़ हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो आपके एक महीने नहीं, दो महीने नहीं, तीन महीने नहीं, चार महीने में तो आपके कुछ टाइम में आपके जो सब्सक्राइब और व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगातार लगे रहना है अपने चैनल के साथ और आपको हमेशा वीडियो डालने पर ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और आपको ये चीज़ें सबको ध्यान में देना है, आपका मोनेटाइजेशन, आपको चैनल का अपना जो रिव्यू है वो करते रहना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो यहाँ पर YouTube की टाइमिंग बहुत मायने रखती है, आपको जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एक टाइमिंग सेट कर लेनी चाहिए, तो आपको हमेशा उसी टाइमिंग पर वीडियो अपलोड करना चाहिए। आपको दिन, अगर आप पर डे यूज कर रहे हैं
अगर आप पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप उसी टाइम पे ही अपलोड करने हैं अपने सारे वीडियोज़। तो ये बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है जो आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करनी होती है। तो आप इसी तरह से ही ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने चैनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पर आप अपना मोनेटाइजेशन अप्लाई कर पाते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे दिया गया लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए वीडियो देखने के बाद, थैंक यू, जय हिंद।